यहाँ पर हमारा जो राइस है बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सा राइस बना है सिंपल वे में। आप जाइए और मेरी रेसिपी को देखिए, आपको पता चलेगा इसको हमने किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड्स, होममेड मसाला कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले चटपटे से राइस बिना किसी सब्जियों के। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुकर गर्म रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे घी। यहाँ पर मैंने घी ले लिया, घी के साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। आप चाहे तो डालडा भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। यहाँ पर हमारा घी जो अच्छे से गर्म हो जाएगा, अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, साथ में कुछ खड़े मसाले, लौंग, इलायची। जैसे हमारा ये अच्छे से मसाला फ्राई हो जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी, मैंने दो ऑनियन काट के रखा है मीडियम साइज़ का और तीन हरी मिर्ची ली है मैंने साथ में। यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम प्याज को फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्की गोल्डन फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज हमारी हल्की गोल्डन फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं तीन कप राइस का मसाला राइस बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने दो चम्मच ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक से दो मिनट हम इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। दो मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर तीन टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। इससे जो हमारे राइस का टेस्ट बहुत बढ़िया सा आ जाएगा। इसके साथ में हम यहाँ ऐड कर देंगे नमक अपने चावल के हिसाब से। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हमारे जो टमाटरों का पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। साथ में हम इसमें ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम लाल मिर्ची पाउडर। साथ में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ में जाएगा यहाँ पर धनिया पाउडर दो चम्मच। आप मसाले आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम गरम मसाला नहीं ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो रहा है और ऑयल जो है वो ऊपर आने लगा। यहाँ पर मैंने बासमती राइस नहीं लिए, हमने जो घर में डेली यूज़ करते हैं हम वही चावल से बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमारा मसाला है अच्छे से फ्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पर हम तीन कप के हिसाब से छः कप पानी ऐड कर देंगे। साथ में यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है जिसको हमने कट करके रख दिया था छोटे छोटे क्यूब्स में, वेट कर देंगे। यहाँ पर हमारे चावल का पानी उबल चुका है, अब हम इसमें राइस डालेंगे। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम गरम मसाला, साथ में डाल देंगे हरा धनिया और कस्तूरी मेथी। सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स और अभी हम कुकर की सीटी नहीं लगाएंगे, हम इसको ऐसे दो से तीन मिनट पकने देंगे ताकि जो मसाला है वो चावलों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब यहाँ पर हम एक बार चावल को अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से। और कुकर की सीटी लगा देंगे, इसको बंद करके हम 3 सीटी लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे कुकर में सीटियाँ लग चुकी है और हमारा वेज पुलाव बनके रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। और बहुत ही टेस्टी सा बना है, आप देख सकते हो कितना खिला खिला सा हमारा जो पुलाव है वो बनके रेडी हो चुका है। हमारा मसाला राइस। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।